अब आज की वीडियो होने वाली काइट लूटिंग के ऊपर। पतंगे देख लो मेरे सर के ऊपर ही लड़ रही है भाई, ये ग्रीन वाली पतंग कट के जा रही है, इसकी डोर देखता हूँ, दिखाता हूँ लूट के। ये देखो देखो ये कटी यार, तिरंगा पतंग कट के जा रही है ये वाली, इसकी डोर ये रही देखो मेरे हाथ में आ गई वाली पतंग, पकड़ ली पतंग के डोर में तो डाल दिया, लेकिन मुझे नहीं पता आएगी नहीं आएगी। सामने देखो ये रही पतंग की डोर में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। मेरे सर के ऊपर देखो पतंग कट के जा रही है, दो पतंग है, एक लंबी एक छोटी। ये देखो ये पतंग गई, इसकी डोर यहीं कहीं होगी, कहाँ गई यार डोर देखो, ये रही पेड़ के ऊपर ये आ गई अपने हाथ में। तो एक पतंग हमने पकड़ ली है, ये वाली जो आप देख रहे होंगे, और एक वो जा रही है, वो तो बहुत दूर है यार। तो जो पतंग हम पकड़ सकते थे वाली पतंग हमने लूट के आपको दिखा दिया, बाकी उतारता हूँ दिखाता हूँ किस कारीगर की पतंग। और वो वाली जो पतंग है ना, वो क्लब वालों की है, वो देखो थोड़ा सा जूम हो जा, देख रहे हो आप कैसे गोल गोल घूम के जा रही है, हवा काफ़ी हल्की चल रही है, तो पतंग भी बहुत आराम से जा रही है। पतंग पकड़ ली, दिखाते हैं आपको उतार के। काफ़ी दिनों से देखो काइट लूटिंग की वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो आज हमने पतंग वतंगे लूटी है, तो सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो बना देते हैं। ये उतर के आ गई हमारी पतंग, और अभी टाइम हो रहा है दिन के 4, तब भी पतंगबाजी अच्छी खासी हो रही है इस समय भी। पहली पतंग जो हमने आज की लूटी है वो है ये वाली। और एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊं, जो पतंग मैंने आपको दिखाया था ना, वो देखो वो अभी भी घूम के जा रही है ऊपर एकदम, देख रहे हो आप, मतलब कितनी हल्की हवा चल रही है कि पतंग लूट के हमने उतार भी ली। उसके बाद भी जो दूसरी पतंग है ना, वो अभी तक कटी नहीं है। और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि मांझा भाई पतंग जो कट के आ रही है, अब 70% पतंगों में सादा मांझा आ रहा, 1-2-3 या कोई भी हो, रॉकेट, लेकिन कॉटन मांझा, तो वो बात देख के अच्छा लगा। और पतंग है मोहल्ला रेती का चौराया, कारीगर का नाम तो लिखा नहीं है। चलो भाई और लूटे दिखाते हैं, एक और पतंग कट के जा रही है यार, पतंग इतनी सारी कट रही है ना यहाँ पे, ये देखो एक पतंग कट के जा रही है, और लपेटने वाले देखो कितने सारे हैं। ये निकल गई पतंग, मेरे पीछे क्लब फायर फाइटिंग हो रही, तो उसी में से ये पतंगें कट के आ रही हैं सब, उसने लपेट ली येलो वाले ने, नहीं निकल गई भाई। एक और आई देखो, एक भाई एक और आ गई इतनी देर में, यार क्या ही माहौल हो रहा है पतंग लूटने का। एक पतंग कट के गई नहीं कि एक और पतंग आ गई, इसकी डोर तो देखनी पड़ेगी, मेरे सर के ऊपर ही है डोर, यार डोर नहीं है, पतंग एकदम मेरे सर के ऊपर से ही कट के गई है, लेकिन इसमें डोर नहीं है। अब जब तक मैं वाली पतंग देख रहा था ना, यहाँ पे एक और पतंग कट के गिरी, पतंग मैं आपको दिखा दूँ, सामने पेड़ में गिरी है, वो देखो आपको दिख रही होगी पतंग सामने गिरी है, और उसकी जो डोर है ना वो जा रही है आपके इधर से, ये देखो डोर यहाँ से जा रही है एकदम, डोर मुझे दिख भी रही है पतंग सामने। तो अभी हम क्या करेंगे, मेरे पास है दूसरी पतंग, तो इसे डालते हैं उस डोर के ऊपर, और इसी पतंग से वाली डोर खींचते हैं, चले जा ऐसे नहीं, चलो भाई ऐसे ट्राई करते। ये गई, और वो देखो डोर के ऊपर गिर गई, डोर के ऊपर गिर चुकी अपनी पतंग, आप देखो आप भाई, ये देखो पतंग की डोर के ऊपर अपनी पतंग गिरी है, बस जो मेरी सद्दी है ना कट ना जाए कहीं, आ जा, थोड़ा हल्के हल्के करके खींचा, और पतंग की डोर देखो आ गई, ये देखो इस वाली पतंग से हमने लूटी वाली पतंग, अभी लूटी नहीं क्योंकि पतंग सामने पेड़ में फंसी है, मुझे ये पतंग लिख लेगी नहीं लिख लेगी, निकला यार, हाँ आ गई देखो पतंग आ गई। तो एक हाथ में मेरे कैमरा है ना, तो दिक्कत हो रही है, लेकिन तब भी पतंग हमने लूट ली है, ये देखो ये रही। तो अभी इसे उतारता हूँ दिखाता हूँ आपकी कौन सी पतंग है, और देखो भाई इतने में एक और पतंग कट गई, यार कितनी ज़्यादा पतंगें कट रही यहाँ पे, ये पतंग लूटी दूसरी वाली भी, और इतनी देर में देखो मैं सर के ऊपर दिखा दूँ, एक और पतंग कट के जा रही है मेरी तरफ, देख रहे हो आप ये कट के गई, और यहाँ पे एक और पेच फिर रहा है, मतलब क्लब पॉइंट राइटिंग लगातार हो पड़ी है, और इस वाली पतंग से लूटी थी पतंग उतरती,
ये रही अपनी गुमनाम कारीगर, इसमें किसी का नाम ही नहीं लिखा है, लेकिन मांझा इसमें भी कॉटन ही आया है। तो जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा तो कॉटन ही मांझा उड़ रहा है इस पतंगों में। इससे पहले हमने मंजोली लूटी थी अद्धी पतंग, ये देखो भाई पेज लड़ गया, पेज लड़ गया, देखो एक और पेज लड़ गया। ये देखो ऊपर वाले ने गद्दा मारा 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 और वो कटा भाई, ये को पतंग कट गई। लेकिन ये अपने घर से बहुत दूर, वो चले गई। हवा ना काफ़ी हल्की, लेकिन पतंगबाजी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एक पतंग वो सामने कटी थी वो पकड़ ली गई, और एक पतंग ये कट के जा रही है। तो अब हम आ गए छत में अपनी पुरानी वाली, यहाँ से हमने पतंग पार कर दी अपनी। तो राइट साइड से मेरी पतंग है ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्कल में, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से। हवा जैसे चल रही थी वैसी है, एकदम हल्की। काफ़ी ज़्यादा हाथ की तरफ आया, पूरी पतंग पटकी। मैंने अंदर का रुख दिखाऊंगा, नहीं लेट कर गया। जब तक मैं अंदर का रुख दिखाता ना, अपोनेंट बहुत तेज खींची यार उसने पतंग, और जब तक ये पतंग मुड्डा चेंज करती तब तक वो काट के ले गया। पहली पतंग हमारी कट गई, तो यहाँ पे हमने एक और पतंग पार कर दी। राइट साइड में मेरी रही, सामने एक पतंग उड़ रही है। कहाँ गई यार, घुसा दी उसने पेड़ के पीछे। ये बंदा ही भाग गया। पेड़ के पीछे आपको दिख रही होगी पटेदार वाली पतंग, उसी से लड़ाते हैं। फिर तो हवा में करी उसने, खींच के काट दी। देखो काट दी वाली पतंग, पेड़ में फंस गई है पतंग, निकालते हैं दिखाते हैं फिर से। एक और पेज आ गया हमारा रेड सर्किल, मेरी पतंग नीचे से ऊपर से, हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से। कन्ने काट रहा है मेरे, फिर पतंग बचानी पड़ेगी मुझे। केस दी एकदम स्ट्रेट भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो कट गई यार, उसकी पतंग भी ख़राब थी। काफ़ी देर मैंने पतंग खींची, लेकिन एंड में हमारी पतंग कट गई यहाँ पे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई ना, हवा चल रही थी राइट हैंड साइड की, मैं ज़बरदस्ती लेफ्ट हैंड साइड में घुसा, और जब मैंने पतंग खींची मेरी पतंग छोटी रह गई, और उसकी पतंग भी अंदर को आ गई। तो इस चक्कर में ये वाला पेज हमारा कट गया।